ईस्ट रेलवे जोन के अधीन गिरिडीह रेलवे स्टेशन की सूरत 5 साल पहले 3 करोड़ की राशि से बदली गई थी और इसे बदलने में आसनसोल डीआरएम की भूमिका बेहद खास रही थी। लगा था कि अब सब बेहतर होगा और इसी गिरिडीह रेलवे स्टेशन की हालत ऐसी है कि यात्री आए दिन परेशानियों में आते हैं और इस स्टेशन के इकलौते पैसेंजर ट्रेन से मधुपुर सफर करते हैं। इसी क्रम में ईस्ट रेल कंज्यूमर परामर्शदात्री समिति के सदस्य और उद्योगपति प्रदीप अग्रवाल, चैंबर ऑफ कॉमर्स के निर्मल झुनझुनवाला और आरटीआई कार्यकर्ता सुनील खंडेलवाल ने मंगलवार को गिरिडीह स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान यहां के हालात बेहद खराब दिखे। स्टेशन मैनेजर मंडल नजर भी नहीं आए और जब जानकारी ली गई तो स्टेशन मास्टर ने बताया कि वो मैनेजर आते हैं लेकिन अपनी हाजिरी बनाकर सुबह 10 बजे वाले ट्रेन से वापस चले जाते हैं। निरीक्षण के क्रम में पूरे स्टेशन में एक भी कम्प्लेन रजिस्टर नहीं मिला जिससे कि यात्री अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। परामर्शदात्री समिति के सदस्यों को स्टेशन मास्टर ने जानकारी दी कि कई बार कम्प्लेन बुक रखने की बात वो मैनेजर से कर चुके हैं। इस दौरान परामर्शदात्री सदस्यों ने आसनसोल डीआरएम को पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि गिरिडीह स्टेशन में फर्स्ट सेकेंड के वेटिंग हॉल का हाल सबसे खराब है। वॉशरूम में भी ताला लगा रहता है, यहाँ तक कि पेयजल के लिए लगी मशीन भी गंदगी के बीच में है, लिहाजा गिरिडीह स्टेशन में अब बदलाव की जरूरत है। 4 सदस्यों की टीम आज गिरिडीह स्टेशन निरीक्षण करने के लिए हम लोग आए और निरीक्षण करने के लिए पहले सूचना देना आवश्यक नहीं है। हम लोग आए थे, हम लोग अभी 4 दिन पहले देवघर जो सिटी पेंडा धाम भी इंस्पेक्शन किए थे, क्योंकि सावन महीना स्टार्ट हो रहा है, अभी यात्रियों की काफी भीड़ होती है और गिरिडीह से भी काफी यात्री सावन में बैद्यनाथ धाम सुल्तानगंज जाते हैं, तो हम लोग ये देखे भी गिरिडीह हमारी स्टेशन में क्या व्यवस्था है नहीं है। तो आते के साथ पता चला हम लोग को लगभग 1 घंटा से ज़्यादा हो गया है, तो स्टेशन मैनेजर जो है मंडल जी, पता चला इनका घर देवघर है, रोज ये प्रतिदिन सुबह 10 बजे जो ट्रेन जाती है 9 बजे 9:30 बजे उससे घर चले जाते हैं। तो पहले तो स्टेशन मैनेजर नहीं रहेंगे तो यहाँ सुविधा क्या पता चलेगा नहीं चलेगा। हो सकता रेलवे ने इनकी ड्यूटी वैसे की कि हम लोग को जानकारी नहीं है। और दूसरा जो स्टेशन मास्टर साहब हैं, जो साहू जी हैं, वो बोले, उनको हमने बोला, वो भी हम लोग के आने के बाद निश्चिंतता दिखाए, उनको भी कोई हमने अपना परिचय दिया हम लीडरशिप, लेकिन उन्होंने भी माने सहज तरीके से हम लोग को कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि हम लोग कोई निरीक्षण करना चाहते हैं। उन्होंने कोई भी अपनी माने जाहिर नहीं की वो दिखाना चाहते, वो एकदम नॉर्मल अपना जगह पर जाकर दूसरी जगह बैठ गए। हम लोग यहाँ बैठे रहे 10 मिनट तक, कोई जब माने परिचय देने के बाद भी कोई नहीं हुआ तो हम लोगों ने बोला भाई आप अपना कंप्लेंट बुक हमें दीजिए, हम लोग जब स्टेशन मैनेजर नहीं है तो आप तो हैं स्टेशन मास्टर, लेकिन इन्होंने कहा कि हमको कंप्लेंट बुक देने का राइट नहीं है, हम स्टेशन मैनेजर से परमिशन लेके ही देंगे। फिर स्टेशन मैनेजर ने फिर हम लोग से बात किया, बात कौन सी की कि आपको क्या सुविधा, हम बोले भाई हम देखना चाहते हैं, हम निरीक्षण करने आए तो हम आपकी पुस्तिका है कि नहीं है, जब पुस्तिका ही नहीं है तो बाकी निरीक्षण क्या करें, बाकी वो तो पब्लिक से रिलेटेड है। उसके बाद इन्होंने हम लोग को बहुत समझाने की कुछ आपका तकलीफ बता, बोले आप है ही नहीं तो हम आपको तकलीफ क्या बोलेंगे, आपको तो रहना चाहिए, लेकिन आप मास्टर साहब स्टेशन मास्टर को बोलिए कि हमें विजिट करा दिए करें, लेकिन इन्होंने आप पुस्तिका दी ना विजिट कराई। और फिर काफी मशक्कत के बाद इन्होंने आसनसोल से लेकर फिर हमें बोले कि ये कमर्शियल कंट्रोल के परमिशन से ही हम दिखा सकते हैं, हमने लगा ये फोन बात की, फिर उन्होंने कमर्शियल कंट्रोल से भी बात की, उन्होंने कहा ऐसा कोई इंस्पेक्शन नहीं हम लोगों का जो पुस्तिका नहीं मिली है, तो तुरंत यात्री को मिलना चाहिए, आप तो जेडीआरसी के मेंबर इनको तो दिखाना ही है, लेकिन इन लोग 1 घंटा के बाद हम लोग को काफी फोन वोन करने के बाद इन्होंने अपने कंप्लेन हम लोग को शिकायत पुस्तिका दी और उसके बाद भी ये बार बार इनका स्टेशन में लेके उसमें क्या दिखेंगे क्या, अरे भाई हम लोग लिखे क्या लिखे ये पूछ के थोड़ी लिखना है, हम लोग को सलाह देना, हम लोग तो यात्री परामर्श दफ्तर कमेटी में है, हमको कोई थोड़ी झगड़ा झंझट है, लेकिन जो स्थिति है ये बहुत ही दयनीय है। रेलवे के JWCC मेंबर श्री कुलदीप अग्रवाल जी के साथ हम लोग चैम्बर के सदस्य गिरिडीह स्टेशन का निरीक्षण करने आए थे, लेकिन सबसे पहले तो हम लोगों ने पाया कि स्टेशन मैनेजर यहाँ उपलब्ध नहीं है और पता चला कि रोज सुबह 10 बजे वाली ट्रेन जाने के बाद अपने घर चले जाते हैं देवघर, जबकि उनकी ड्यूटी यहाँ पर जो है 24 घंटे की होती है। दूसरा हम लोग ने यहाँ देखा कि शिकायत पुस्तिका जो है कहीं उपलब्ध नहीं है, ना कहीं सुझाव और शिकायत पेटी कहीं लगी। यहाँ उपस्थित स्टेशन मास्टर साहब मंडल जी ने साहू जी ने शिकायत पुस्तिका देने में अपनी असमर्थता जताई और बताया कि स्टेशन मैनेजर की अनुमति के बिना हम नहीं दे सकते हैं, और स्टेशन मैनेजर साहब बार बार ये कह रहे हैं कि पहले हमको शिकायत बताइए तब आपको शिकायत पुस्तिका मिलेगी। तो ये कुछ समझ में नहीं आया कि
पहले शिकायत पर बताने का क्या औचित्य है, और एक JWCC मेंबर को एक घंटे की मशक्कत के बाद अंत में जाकर शिकायत पुस्तिका प्राप्त हुई, और शिकायत पुस्तिका को देख के ही लगता है कि ये पुस्तिका जो है साल में एक आध बार कभी निकलती होगी तो निकलती होगी, अन्यथा कभी नहीं निकलती। तो ये बहुत विचित्र स्थिति है और इसमें रेलवे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। न्यूज विंग के लिए गिरिडीह से मनोज कुमार पिंटू की रिपोर्ट। टफन XT600 HCR TMT रीवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।